नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत हम करेंगे बिहार से। बिहार में कैबिनेट विस्तार होने के बाद सत्ता पक्ष के नेताओं के दिलों की धड़कनें और बढ़ गई हैं। सत्ता पक्ष इस कोशिश में है कि किसी भी तरह से बिहार में जो नई सरकार बनी है उसको गिराया जाए, उसको तोड़ा जाए। लेकिन इन सबके बीच देखा जा रहा है प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव की जो दोस्ती नई नई हुई है, ये दोस्ती किस तरह से बहुत बड़े हद तक आगे बढ़ रही है। जी हाँ, यहाँ पर देखने को मिला है कि प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने जो विश्वास नीतीश कुमार पर जताया, जो तेजस्वी पर जताया और सीधे तौर पर इनका समर्थन किया, तो ये जो कांग्रेस और आरजेडी जेडीयू इनका गठबंधन है, यही गठबंधन 2024 में एक बड़े स्तर पर दिखता नजर आएगा और बीजेपी के लिए जरूर मुश्किलें खड़ी होती नजर आएंगी। दरअसल मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि जो हालात इस वक्त बिहार में है, नई सरकार तो बहुत खुश है। बिहार में जो नई सरकार बनी है वो अपने काम पर लग गई है। जो जो वायदे तेजस्वी यादव ने किए थे उन तमाम वायदों को पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन सीधे सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरह की स्थिति बनी है, इसका साफ मतलब ही यही है कि क्या वाकई बहुत बड़े हद तक जो हम देख रहे हैं बिहार में जो विपक्षियों की नई जोड़ी बन रही है, विपक्ष जिस तरह से मजबूत हो रहा है, क्या इसका बड़ा फायदा 2024 में होगा। लेकिन इन सब के बीच देखिए, तेजस्वी यादव ने सोनिया गांधी से जो मुलाकात की उसके बाद तेजस्वी यादव के अंदर एक अलग सा और कॉन्फिडेंस देखने को मिला, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार मॉडल के तर्ज पर पूरे देश का मॉडल बनाए जाएंगे। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि प्रियंका, सोनिया, राहुल गांधी, ये तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, तमाम ये दिग्गज नेता जिस तरह से आज मौजूद हैं, एक साथ खड़े हुए हैं, तो शायद ये बीजेपी को खुली चुनौती दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टियों का इस तरह से मजबूत होना, विपक्ष का इस तरह से मजबूत होकर आगे बढ़ना, ये बताता है कि बहुत बड़ा जो नुकसान है वो अब बीजेपी को उठाना पड़ेगा। क्योंकि सत्ता पक्ष जो यानी कि बीजेपी जो थी वो जिस तरह से आज जो है सहयोगी पार्टियों को खत्म कर रही थी या विपक्षी पार्टियों को डराने धमकाने का काम कर रही थी, अब विपक्ष की बारी है। अब विपक्ष मजबूत हो रहा है और विपक्ष जिस तरह से मजबूत हो रहा है इसे देखकर सत्ता पक्ष के नेताओं की नींदें उड़ी हुई है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।